लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 91 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन। हेमा मालिनी मथुरा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत नैनीताल सीट से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पी चिदंबरम की सीट शिवगंगा से उनके बेटे कार्ती चिदंबरम को उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने दार्जिलिंग से केंद्रीय मंत्री एसएस अहलूवालिया की जगह राजू सिंह बिष्ट को टिकट दिया। होली के दिन गुरुग्राम में एक परिवार को पीटने और लूटपाट के मामले में पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 3 लोग गिरफ्तार। सपना चौधरी का कांग्रेस में शामिल होने से इनकार, कहा मीडिया में सामने आई फोटो पुरानी। कांग्रेस ने कहा झूठ बोल रही है सपना चौधरी, लेटर हेड के साथ सबूत जारी किए। अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में 50 लाख नौकरियों का वादा। बिहार के पटना में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 13 घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत, 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल को लेकर रॉबर्ट मुलर की जांच रिपोर्ट में मिलीभगत होने के कोई सबूत नहीं। और आईपीएल सुपर संडे के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट और दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 37 रन से हराया।